नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में जो दुनिया के सबसे गतिशील और बढ़ते बाजारों में से एक है, जिसकी ग्रोथ 2020 से 2025 तक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 16.5% से बढ़ने की अपेक्षा है। इस बिजनेस में लगभग 30 से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी बिजनेस के बारे में, जिसमें नोटबुक, पेपर होल्डिंग पैड और राइटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन स्टेशनरी मार्केट के सबसे बड़े सेगमेंट हैं, जिसकी जरूरत स्कूल, वर्क स्पेसेस, स्टोर्स, देखा जाए तो ज्यादातर जगहों पर जरूरत पड़ती है। अगर आपका भी स्टेशनरी बिजनेस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाला है, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप व्यापार ऐप का इस्तेमाल कर अपना बिजनेस आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप व्यापार अकाउंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे और अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेटिंग्स करने के लिए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को उसके डायमेंशन, प्राइस, कलर आदि के अकॉर्डिंग स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो MRP प्राइस सेक्शन में आप MRP को ऑन कर लें और फिर कैलकुलेट एज सेल प्राइस फ्रॉम MRP एंड डिस्काउंट को भी ऑन कर लेंगे। तो अब आप अपनी MRP को सेल प्राइस की तरह यूज कर सकते हैं और अब आपका डिस्काउंट भी सेल प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। और फिर मल्टीपल बैचेस को मैनेज करने के लिए यूज MRP फॉर बैच ट्रैकिंग का यूज कर आसानी से मल्टीपल प्राइसेस भी एक साथ मैनेज कर सकते हैं। और फिर बैच ट्रैकिंग ऑप्शन पर क्लिक कर मॉडल नंबर को वेदर डिटेल्स और साइज को रीनेम कर डायमेंशन या अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर पार्टी पर क्लिक कर पार्टी की डिटेल्स, जैसे अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो पार्टी के शिपिंग एड्रेस को ऑन कर लेंगे और दिए गए फील्ड्स का इस्तेमाल कर उनकी अदर डिटेल्स भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर्स को बिजनेस नेम से बिल भेजना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन मैसेज पर क्लिक कर लेंगे, जहां आपको सेंड वी अ पर्सनल मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे आप व्हाट्सएप से स्कैन कर लॉगिन कर लेंगे। तो अब पार्टी को आपके बिजनेस नंबर या नेम के साथ आपका बिल रिसीव होगा। यहां आप अपने कस्टमर के साथ चैट भी कर सकते हैं, साथ ही आप अपने ट्रांजेक्शन टाइप सेलेक्ट कर मैसेज भी एडिट कर सकते हैं और फिर प्रिंट पर क्लिक कर अपने प्रिंटर सेलेक्ट कर दिए गए थीम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और चेंज ट्रांजेक्शन नेम पर क्लिक कर ट्रांजेक्शन नेम को भी अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की टर्म एंड कंडीशंस ऐड करने के लिए स्क्रॉल कर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर उन्हें आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आप कैश से ज्यादा पेमेंट रिसीव करते हैं तो ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर कैश सेल बाय डिफॉल्ट यूज कर सकते हैं और इनेबल पासकोड फॉर डिलीट एंड एडेड ट्रांजेक्शन का यूज कर अपनी ट्रांजेक्शन के लिए पासकोड भी लगा सकते हैं, जिससे अगर कोई आपका ट्रांजेक्शन एडिट या डिलीट करता है तो आपको पासकोड डालना जरूरी होगा। साथ ही आप पेमेंट को लिंक करने के लिए लिंक पेमेंट टू इनवॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप शो प्रॉफिट बाय मेकिंग सेल इनवॉइस का यूज कर अपने सेल बिल बनाते टाइम पर अपना प्रॉफिट भी आसानी से देख पाएंगे। और अगर आप किसी पार्टी की सेल की हुई लास्ट 5 सेल प्राइसेस देखना चाहते हैं तो शो लास्ट 5 सेल प्राइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारी सभी सेटिंग्स हो गई है और अपने स्टाफ, बिजनेस पार्टनर या CA अकाउंटेंट को लिमिटेड एक्सेस देने के लिए सिंगल शेयर फीचर का इस्तेमाल कर लिमिटेड एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपना करंट अवेलेबल स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो आइटम सेक्शन पर क्लिक कर ऐड आइटम पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपना आइटम बिना बैचेस के ऐड करना चाहते हैं तो आइटम नेम को आइटम की डिटेल्स के साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी। और फिर बाकी डिटेल्स जैसे एडजेसेंट कोड, आइटम कोड और आइटम यूनिट और बाकी सभी डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। साथ ही आप अपने आइटम की कैटेगरी बना उसमें ऐड भी कर सकते हैं, जिसे आप कैटेगरी वाइज रिपोर्ट भी देख पाएंगे कि किस कैटेगरी का आइटम ज्यादा सेल हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड कर लेंगे, साथ ही आप अपने आइटम की इमेज भी सेट कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन सेल करने में हेल्प करेगी। और फिर अपनी प्राइसिंग सेक्शन में दी हुई डिटेल्स जैसे सेल प्राइस, परचेज प्राइस फिल कर अपना टैक्स रेट सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे।
और फिर स्टॉप पर क्लिक कर उसकी करंट अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। साथ ही एड प्राइस सेक्शन में विदाउट GST प्राइस पर यूनिट एंटर कर लेंगे, जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और फिर डेट और स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन एंटर कर लेंगे, जो आपको मिनिमम स्टॉक पर अलर्ट कर देगा। साथ ही आप आइटम की लोकेशन ऐड कर सेव कर सकते हैं। आप आइटम पर क्लिक कर देख सकते हैं आपका स्टॉक ऐड हो चुका है। पर अगर आप एक आइटम को अलग अलग साइज या डायमेंशंस और प्राइस के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम और ऊपर दी हुई सभी डिटेल्स फिल कर लेंगे। अगर आप टैक्स रेट ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर स्टॉक पर क्लिक कर लेंगे, या आपको ओपनिंग क्वांटिटी सेक्शन में बैच दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स जैसे MRP जो कि हमने सेटिंग से सेल प्राइस की हुई है, तो अब ये सेल प्राइस की तरह काम करेगी। और फिर प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स जैसे कलर, डायमेंशंस और अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर देंगे। इसी तरह से आप अपने सेम आइटम को मल्टीपल प्राइजेस एंड साइज के अकॉर्डिंग ऐड कर सेव कर सकते हैं। यदि आप सभी आइटम को एक बार में एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं, तो यूटिलिटीज सेक्शन पर क्लिक कर इंपोर्ट आइटम पर क्लिक कर लेंगे, तो या आप अपडेट फ्रॉम एक्सेल फाइल पर क्लिक कर आप डाउनलोड सैंपल पर क्लिक कर सैंपल डाउनलोड कर अपनी सभी आइटम एक्सेल में एंटर कर अपलोड फाइल पर क्लिक कर अपना एक्सेल फाइल अपलोड कर लेंगे, तो आपकी सभी आइटम्स स्टॉक में ऐड हो जाएंगे। और बल्क आइटम अपडेट पर क्लिक कर आइटम डिटेल्स जैसे आइटम नेम, कैटेगरी, परचेस प्राइस, टेक्स्ट टाइप, सेल प्राइस आदि डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। साथ ही स्टॉक और आइटम इंफॉर्मेशन में मौजूद फील्ड्स को भी चेंज कर अपडेट कर सेव कर सकते हैं। अगर आप कोई आइटम परचेज करते हैं, तो एड परचेज पर क्लिक कर अपना आइटम सेलेक्ट या ऐड कर लेंगे, और फिर बाकी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, आइटम इंफॉर्मेशन, MRP, साइज, डायमेंशंस, क्वांटिटी और अपनी यूनिट सेलेक्ट कर आइटम का प्राइस पर यूनिट जिस प्राइस में आपने परचेज किया है, और फिर अगर आप उस पर GST ऐड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर ऐड कर लेंगे। इसी तरह आप अपने सभी आइटम्स को उसकी डिटेल्स और साइज के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अपने सभी आइटम्स ऐड कर लेंगे, जिसे आप जैसे ही सेव करते हैं तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा, जिसे आप आइटम पर क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि अब हमने स्टॉक ऐड कर लिया है, तो अब आप आसानी से अपनी ऐड सेल पर क्लिक कर अपनी पार्टी सिलेक्ट या ऐड कर लीजिए, और फिर अपना आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें अगर आपने अपने आइटम को बैचेस के अकॉर्डिंग ऐड किया है, तो आइटम सिलेक्ट करते ही आपकी बैच लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपना आइटम क्वांटिटी एंटर कर सेव कर लेंगे, तो आपका आइटम सभी डिटेल्स के साथ ऐड हो जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। पेमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन का यूज कर अपना नोट एंटर कर सकते हैं, या आप अपने बिल से जनरेटेड प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं। और फिर रिसीव्ड अमाउंट सिलेक्ट या मैनुअली एंटर कर जैसे ही सेव करते हैं, तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। और अगर आपने पार्टी का फोन नंबर ऐड किया हुआ है, तो आपके कस्टमर को उनका इनवॉइस व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाएगा, या आप अपने अकॉर्डिंग दिए हुए थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक्सपेंसेस पर क्लिक कर अपने एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन स्टोर बना अपनी सेल भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आप माय ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर लेंगे, और अपने आइटम को सिलेक्ट कर अपना स्टोर क्रिएट कर लेंगे, जिसकी लिंक आप कॉपी कर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स लेने में आसानी होगी। यानी जैसे ही आपका कस्टमर कोई भी ऑर्डर देता है, तो आपको एक पॉपअप रिसीव होगा, जिसका ऑर्डर फिर आप प्लेस भी करा सकते हैं। अपने बिजनेस को और भी बेहतर समझने के लिए यहाँ हमने आपको 40 प्लस रिपोर्ट्स दी हुई हैं, जिसके लिए आप रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर आप सेल फिल्टर्स लगा अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जहाँ आप डेट, इनवॉइस नंबर,
और पार्टी नेम आदि फिल्टर्स भी आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी परचेजेस और डे बुक में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आप बिल से जनरेटेड प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं, पार्टी स्टेटमेंट, जीएसटी रिपोर्ट्स, जिसका यूज कर आप फाइलिंग भी आसानी से कर सकते हैं, और आइटम बैच रिपोर्ट पर क्लिक कर आसानी से अपने आइटम को आइटम नेम, ब्रांड आदि के अकॉर्डिंग आसानी से सर्च कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेल परचेज बाई आइटम कैटेगरी, जिसमें आप कैटेगरी वाइज सेल और परचेजेस भी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी ट्रांजेक्शन सर्च करने के लिए व्यापार में मौजूद ग्लोबल सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।